हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस के स्मैकडाउन में वापस आने के बाद सिनेमा तो शुरू हो ही चुका है एंड इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहां पर हमें चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिलने वाला है। बैड ब्लड की चीजें होते हुए दिखने वाली है ऑफिशियल, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ डीन एम्ब्रोस या जॉन मॉक्सली, जो कहना चाहो, उनसे रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट है मेरे पास। तो सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन से कर लेते शुरुआत। तो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वह है अंड्राडे वर्सेस कार्मिलो है इसका पार्ट 6। जैसा कि इनके बीच 5 मैचेस हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके, जिनमें से 3 में जीत हुई है अंड्राडे की और 2 में कार्मिलो है इसकी। बट देखकर लग रहा है अभी भी इनके बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ, यानी कि इनके बीच हमें और मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर ये चीज कंटिन्यू रहने वाली है तो यहाँ पर हमें जीत होते हुए दिख सकती है कार्मिलो है इसकी और अगेन इन दोनों के बीच हो जाएगा टाई। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है विमेंस चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर मैच, बेली वर्सेस नायोमी के बीच। तो जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें टैग टीम मैच देखने को मिला था बेली एंड नायोमी वर्सेस नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन के बीच, जहां पर नायोमी एंड बेली में से कोई भी पिन करता तो उसे मिल जाती अपॉर्चुनिटी चैंपियनशिप के लिए, बट दोनों ने एक साथ पिन कर दिया, जिसकी वजह से निक एल्डिस ने यह डिसाइड किया कि नायोमी एंड बेली के बीच हमें इस स्मैकडाउन में मैच देखने को मिलने वाला है और जो भी अब इस मैच को जीतेगा उसे मिलेगी बैड ब्लड में विमेंस चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी नाया जैक्स के अगेंस्ट। सो बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, थोड़े ज्यादा चांसेस बेली के रहेंगे। वहीं लास्ट स्मैकडाउन में एले नाइट ने तो अंड्राडे को हराकर रिटेन कर ली अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, तो देखकर लग रहा है कि इस स्मैकडाउन में उनके सामने हमें कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है और हम सब काफी टाइम से यही वेट कर रहे हैं कि आखिरकार एजे स्टाइल्स का कब होगा रिटर्न एंड वो आकर चैलेंज करेंगे एले नाइट को। बट गाइज, एजे स्टाइल्स को लेकर कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसे सुनकर आप सब बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। सबसे पहली अपडेट तो ये निकल कर आई है, WWE ने एक तरह से एजे स्टाइल्स पर गिव अप कर दिया, यानी कि WWE के पास एजे स्टाइल्स को लेकर कुछ भी प्लान नहीं है। और दूसरी अपडेट ये है, एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग या फिर एंड में खत्म होने वाला है एंड मे बी वो हमें WWE को करते हुए दिख सकते हैं लीव। सो एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए तो काफी ज्यादा बैड न्यूज है अगर ये अपडेट ट्रू जाती है, बट मुझे लगता है एजे स्टाइल्स हमें एक बार वापस जरूर से आते हुए दिखने वाले। अगर उनका रन अच्छा जाता है तो वो हमें WWE के साथ भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। और एले नाइट के सामने एजे स्टाइल्स आते हैं तो जिस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है, डेफिनेटली से इनकी फ्यूड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। और अगर एजे स्टाइल्स चैंपियन भी बन जाते हैं उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी ज्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज एले नाइट को भी चैंपियन बने अच्छा खासा टाइम हो चुका है। वही स्मैकडाउन में एक और सुपरस्टार के साथ जो और भी ज्यादा बूढ़ा हो रहा है वो है जीवानी विंची। सबसे पहले तो उनके डेब्यू मैच में रेफरी ने जल्दी मैच स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से रोल अप पिन के जरिए उनकी हार हो गई। एंड लास्ट वीक के स्मैकडाउन में जब फिर से उन्हें मौका मिला, देन अपोलो क्रूज ने अगेन उन्हें रोल अप पिन के जरिए हरा दिया, बट इस बार उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया और अपोलो क्रूज पर किया काफी बुरी तरह से अटैक। सो इस स्मैकडाउन में हो सकता है इनका थर्ड मैच हमें देखने को मिल जाए, लेट्स सी इस बार जीवानी विंची की जीत होती है या फिर नहीं। वहीं फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बारे में, तो जैसा कि ये दोनों एक टैग टीम मैच में रहने वाले सोलो सिकोवा एंड जैकोब फाटू के अगेंस्ट बैड ब्लड में। एंड सबसे पहले तो मैं आप सबको वो अपडेट बता दूं जिसे सुनकर आप सब काफी ज्यादा होने वाले खुश, वो है रोमन रेंस का नवंबर एंड अक्टूबर मंथ का स्केड्यूल हो चुका है रिवील, जो कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। बैड ब्लड की बात की स्मैकडाउन यानी कि 11th अक्टूबर को वो हमें देखने को मिलने वाले, 18th अक्टूबर को देखने को मिलने वाले, 25 अक्टूबर को भी देखने को मिलने वाले, फिर क्राउन ज्वेल के दिन ही जो स्मैकडाउन होता है उसे वो पॉसिबली मिस करने वाले, फिर वो हमें 8 नवंबर को भी देखने को मिलने वाले, उसके बाद के भी स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले, उसके बाद के भी स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले है। यानी कि गाइस आप सब कह सकते हो थोड़े टाइम के लिए फुल टाइम रोमन रेंस आ चुका है वापस। वहीं बात रही इस वीक के स्मैकडाउन की, देन कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के एक साथ आने के बाद ये दोनों ने एक साथ तो ज्यादा कुछ भी नहीं किया, बट इन दोनों के बीच ही हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कि इनके बीच जो भी बहस वगैरह चल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी, बट हाँ उनके अपोनेंट को भी WWE को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, तो हो सकता है इस बार हमें ब्लड लाइन अपर हैंड लेते हुए दिख जाए कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस पर, जो कि मे बी कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की बहस की वजह से ही हो सकता है। तो गाइस ये तो थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाली है। वैसे आप सब किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। बट फाइनली बात कर ली जाए जॉन मॉक्सली या फिर आप कह सकते हो डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो अगर आप सबने 2016 के टाइम की WWE देखी होगी तो आप सभी को एक कॉम्बिनेशन तो याद होगा, वो है सेन मिकमैन, डैनियल ब्रायन एंड डीन एम्ब्रोस का। यानी कि सेन मिकमैन का ब्रांड स्मैकडाउन था, वहां के जनरल मैनेजर थे डैनियल ब्रायन, टॉप चैंपियन थे डीन एम्ब्रोस, और गाइस अब लग रहा है ये तीनों मिलकर हमें कमाल करते हुए दिखने वाले हैं AEW में। बिकॉज अगर आप सब AEW फॉलो करते होंगे तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जॉन
जॉन मॉक्सली का तो हो चुका है हील टर्न और उनकी फ्यूड चल रही है अभी डैनियल ब्रायन या फिर ब्रायन डेनियल्सन जो बोलना चाहो उनके साथ, और इनका मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है रेसल ड्रीम प्रीमियम लाइव वेट में जो कि होने वाला है 12th अक्टूबर को। सो गाइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी फ्यूड में हमें देखने को मिलने वाला है शेन मैकमैन का डेब्यू AEW में, बिकॉज जॉन मॉक्सली टोनी खान को एक तरह से इनडायरेक्टली काफी बार बोल चुके हैं कि अब ये उनका AEW नहीं है। तो शेन मैकमैन आने वाले AEW में एक तरह से ऑथोरिटी फिगर की तरह एंड वो काम करने वाले हैं जॉन मॉक्सली के साथ, जिसमें मे बी WWE फैंस हो सकते हैं इंटरेस्टेड, इसलिए मैंने आप सबको बताया। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या शेन मैकमैन एंड जॉन मॉक्सली की टीम में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।